ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर में चल रही हिमाचल प्रदेश इंटर कॉलेज कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 70 कॉलेजों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में प्रो कबड्डी में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। कबड्डी में प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके खिलाड़ियों ने हिमाचल में खिलाड़ियों के लिए मूलभूत सुविधा नहीं मिलने पर मलाल जताया है। हमीरपुर में चल रही हिमाचल प्रदेश इंटर कॉलेज कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 70 कॉलेजों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में प्रो कबड्डी में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। कबड्डी में प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके खिलाड़ियों ने हिमाचल में खिलाड़ियों के लिए मूलभूत सुविधा नहीं मिलने पर मलाल जताया है। गौतम कॉलेज के प्रिंसिपल रजनीश गौतम ने बताया कि प्रतियोगिता का समापन 17 अक्टूबर को किया जाएगा और समापन अवसर पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल शिरकत करेंगे। प्रतियोगिता में शामिल कोच ने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। उन्होंने बताया कि हिमाचल के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही है। खिलाड़ी ने बताया कि हिमाचल में कबड्डी की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि सुविधाएं नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार को चाहिए कि खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं देने के लिए काम किया जाए। अगर हम हिसाब लगाएं इतना बड़ा इवेंट करवाना ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, ट्राई करती है और जैसे यहाँ के सुविधा यहाँ उपलब्ध हिमाचल के अंदर और यहाँ पे जो ऑफिशियल मेरे साथ मेरे अगर मैं ना बोले ये एक ऐसा मानवीय है देश के अंदर हमारे पास ऐसे कोई व्यक्ति को मिले और यहाँ के आने का यहाँ के बच्चे खेलते हैं टीवी पे उनको देखा जाता है को यहाँ देखे तो इससे बच्चों को बच्चे केवल खिलाड़ी ही नहीं रहते आगे आने और मैं आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को इस खेल को दिखा रहे हैं और मैं फर्स्ट से 2014 से लेकर 2019 तक प्रो कबड्डी में जुड़ा हूँ और 2018 में एशियन गेम हुई है इंडोनेशिया जकार्ता में, उसमें भी मैंने भाग लिया है रेफरी के रूम में। और अभी जो बच्चे इस प्रो कबड्डी को देख रहे हैं इससे बच्चों को बहुत प्रेरणा मिल रहा है, बहुत उत्साहित हो रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है प्रो कबड्डी के माध्यम से। और जो हमारे रेफरी है वो भी इसके मैच देखते और बच्चे बहुत हिमाचल प्रदेश कबड्डी कॉलेज कबड्डी आज जैसे तेरा शुरू हुआ है
सब प्रसन्न है, खुश है, इस खेल को एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको कुछ यहाँ पे प्रोग्राम इवेंट करवाने का और इसी अगले महीने हमारे पास यूथ फेस्टिवल फोर डी एसपी फेस्टिवल यही इसी का उसके लिए आप और मंडी के सारे प्लेयर्स को कोचिज को हमारे पूर्व क्रिकेटर जी हमारे मंडी के कोच है प्रैक्टिस करता हूँ और मैं जूनियर नेशनल सीनियर बीच लेवल तक खेला हूँ। हमारे हिमाचल में खेलने के लिए ग्राउंड की कमी है और प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे उनके बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, उनके अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। जो लड़के हॉस्टल में आते हैं वो अच्छी प्रैक्टिस कर पाते हैं और जो बाकी रह जाते हैं इतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि उनके सुविधाएं नहीं है। और हमारे लिए जो बाहर के जैसे बाहर के स्टेट है बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस में ज़्यादा सुविधाएँ दी जाती है प्रैक्टिस करने के लिए, दौरे अच्छे हिमाचल में कम दौरे हैं, दो तीन डिस्ट्रिक्ट में ही सिर्फ इंडोर है, बाकी बच्चे नहीं प्रैक्टिस करवाते क्योंकि वहाँ पर ना होते हैं ना कोच है, इस कारण थोड़ी सी समस्या होती है। मेरा नाम संदीप शर्मा है, हमारे इंटर यूनिवर्सिटी से लिंक है, इसमें 69 टीम में भाग ले रही हैं, बहुत अच्छी टीम है हमारे, हम एक से 6 टीम में खेल रही हैं और ये टीम में भाग ले रही है, अच्छे खेल रही है, अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, अच्छा ग्राउंड और कबड्डी का जो स्थान है ऊपर जा रहा है, जिससे हमें सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेरा नाम संदीप शर्मा है, मैं हमीरपुर का हूँ, जो इस बार पीछे सीनियर नेशनल खेला हूँ। हमारे यहाँ पे जो इंटर यूनिवर्सिटी लगी है इसमें 69 में भाग ले रही है, बहुत अच्छे प्रदर्शन हो रहे हैं, अच्छे मैच हो रहे हैं, अच्छे मैच देखने को मिल रहे हैं और सभी टीम अच्छी हैं और हमारे हमीरपुर से 6 टीम में भाग ले रही है इसमें, हमीरपुर सुजानपुर लदवान और सभी टीम में अच्छा खेल प्रदर्शन हो रहा है।